नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीखा संदेश। पूरे साल अच्छी पढ़ाई और उसके बाद में अच्छे रिजल्ट्स तक पहुंचने के बाद में सेलिब्रेशन तो बनता है, लेकिन सेलिब्रेशन इस बात का भी होना चाहिए जब दूर कहीं किसी खेत में बैठा किसान अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए एक सपना बुनता है और उस सपने को आधार बनाकर सीकर जैसे शिक्षा नगरी में आकर एक कोचिंग पर, एक इंस्टीट्यूट पर भरोसा कर अपने बच्चे को भी वहां छोड़ता है और साथ ही खून पसीने की कमाई में से एक बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूट को देकर अपने बच्चे के अच्छे भविष्य बनाने की उम्मीद करता है। ऐसे ही एक किसान का बेटा घनेन्द्र आज हमारे साथ है। आप श्रीगंगानगर से हैं और जेई के एग्जाम में आपने 198 स्कोर कर अपने पिता का वो सपना भी पूरा किया और अपने पिता का, अपने गांव का, अपने इंस्टीट्यूट का नाम आपने रोशन किया और आप जैसे बच्चों से ही सीकर शिक्षा नगरी है। घनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इतना अच्छा स्कोर किया है, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके लिए कैसे आपने मेहनत करी थी, कितनी मेहनत करी थी, इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। अभी जो डेली, मतलब डेली बेस पे आप, डेली बेस पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। हर डेली 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 आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप कोई भी डे मिस नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ करने लग गए, मतलब टाइम पास करने लग गए, कुछ भी कर रहे हो आप, आपको वो नहीं करना है। आपको मेहनत करते रहना है, करते रहना है, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। मेहनत करते जाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। और सीएलसी ने पूरा सपोर्ट किया, पूरी थ्रू आउट द जर्नी पूरा सपोर्ट मिला है। कुछ भी ऐसा डीमोटिवेट और कभी भी ऐसा फील नहीं किया। फील किया भी हो तो भी टीचर से बात कर लेते थे और एकदम सही हो जाता था सब कुछ। वहीं साथ में बॉस की एक बात जरूर याद रहती थी मेरे को। बॉस कहते थे कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल, मेहनत का सच में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी एट द एंड। आपको मेहनत के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, मेहनत ही करनी है आपको। तो मेहनत करते रहना है। और पेरेंट्स ने पूरा मोटिवेटेड रखा था मेरे को, बोला था भाई तू प्रेशर मत ले, भाई तेरी अच्छा ही रैंक आएगी, हमें भरोसा है तेरे पे, तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा जितनी तू मेहनत करता है, हमें पता है। तो उस हिसाब से पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया था, पूरी फैमिली ने, पूरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं हमारे, सभी ने पूरा सपोर्ट किया था। तो पूरा सपोर्ट रहा सबका और अच्छा रिजल्ट उन्हीं की वजह से आया, सबकी वजह से। 11th क्लास में आप श्रीगंगानगर से आए, आपके पिता खेती करते हैं, कैसे आपके पापा ने, आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है सीएलसी जाना है, सीकर जाना है और वहाँ जाके पढ़ाई करनी है, ये कब और कैसे आपने डिसाइड किया? पहले 10th हो गई थी, तो 10th से जस्ट कुछ टाइम पहले ही मेरे को ऐसा, मतलब पता चला था कि आप अगर 10th के बाद आते हो ना, 10th में अगर अच्छे परसेंटेज वगैरह बना लेते हो तो आपकी स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाती है, आपको फीस वगैरह की आपको छूट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो जब मेरे को 10th से पहले तो ज़्यादा मेरे को पता नहीं था IIT वगैरह के बारे में, लेकिन जब मेरे को मेरे भाई ने ऐसे इन्फॉर्म किया भी ऐसा ऐसा होता है तो आप 10th में ज़्यादा फोकस कीजिए, मेरा बस यही मोटिव था कि 10th में परसेंटेज इसीलिए बनाने थे कि मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाए, बाकी मेरे को कोई परसेंटेज का ऐसा वो नहीं था। तो मैंने लास्ट के जब 2-3 महीने रहे तो मैंने बहुत मन लगा के और अच्छे से, जितनी मैं पढ़ाई कर रहा था उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की करी मैंने, और लास्ट में मेरे 95 परसेंटेज आए थे 10th में। तो उसके हिसाब से मेरे को अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो इसलिए हमने सीकर का सोच लिया था। पहले तो नहीं सोच रहा था, मेरे को लगा नहीं था कि मैं सीकर आऊँगा पढ़ूंगा। मैंने सोचा मैं पहले कर लूँगा उधर ही स्कूलिंग वगैरह। लेकिन एक बार मैंने ऐसे ही, मतलब बात कर रहे थे तो मैंने मेरी मम्मी को बोला था ऐसे कि मेरे को सीकर जाना है तो वहाँ पर IIT वगैरह की पढ़ाई करनी है ऐसा वगैरह। तो कुछ दो तीन दिन बाद ही मेरी मम्मी ने, मतलब बात कर ली मेरे भाई से, मामा जी से। अच्छा। कि ऐसा है, मेरे भाई यहाँ से पढ़ के गया हुआ है पहले से। ओके। तो बात कर ली और फिर हम एक हफ्ते के बाद हम यहाँ पे आ भी गए। अच्छा। मेरे को मतलब विश्वास भी नहीं हुआ था, मैं सोचा भी नहीं था मैं क्या यहाँ पे आएंगे। मेरा एडमिशन भी हो गया था आते ही, तो बहुत खुशी हुई उस टाइम। और पूरा सपोर्ट, मतलब पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे मामा जी का, मेरे ताई जी हैं उनका, पूरी हमारे घर, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी। अगर फाइनेंशियली भी वीक पड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आई, ऊपर से स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल गई, तो मतलब सही था सब कुछ, सब अच्छा खासा सपोर्ट था। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये स्कोर करने में भी आपके टीचर्स ने मेहनत करी होगी, पूरे साल आपने भी मेहनत करी, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या शेड्यूल आपका रहता था पढ़ने का, कैंपस में तो क्या रहता था, हॉस्टल में क्या रहता था,
तो कैसे आप मैनेज करते थे, किस सब्जेक्ट को कितना समय देते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये सब के बारे में बताएं। एक चीज तो साफ साफ बोलता हूँ मैं कि आप ऐसा मत ही सोचिए कि आप तीन सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट कर लोगे तो आपका हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक फेवरेट हो गया, आप इसी पे माथा मारे जा रहे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपका फेवरेट हो या ना हो, सीधी बात। और बाकी शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल अगर मैं लास्ट में बात करूँ, जब हमारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया था पूरा, तो पूरे कोचिंग के अंदर रहता था, सुबह 7 to 12 होता था कैंप, तो हम कैंप आ जाते थे, उसके बाद 12 बजे के बाद हम चले जाते थे वहाँ पे मैस वगैरह जाके, खाना वगैरह खा के आ जाते थे, हम 2 बजे करीब वापस आ जाते थे कैंप के अंदर, और वापस हम 6 बजे जाते थे, 6 बजे जाके फिर वापस खाना वगैरह खा लेते थे आराम से, और 8 बजे 8:15 बजे तक वापस आ जाते थे, और फिर वापस 12 बजे जाते थे, आराम से सो जाते थे। ये तो लास्ट का शेड्यूल था। ओके, मतलब लास्ट में तो पता है कुछ भी करना ही नहीं होता पढ़ाई के अलावा, ओनली स्टडी पे फोकस करो, है ना। और उससे पहले अगर क्लासेस लगती थी तो क्लासेस, मान लो अगर सुबह क्लासेस होती तो सुबह क्लास जाते थे, उसके बाद शाम को कैंप होता था, कैंप आ जाते थे, रात को भी कैंप होता था, तो पूरा दिन हम कोचिंग में मतलब अच्छे से पढ़ लेते थे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, लाइक सोशल मीडिया हो गया, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना हो गया, या आसपास में ऐसा कुछ भी, तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बचते थे, क्या फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, क्या सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते थे? इसके लिए पहली चीज़ तो मैं मतलब फ़ोन जब 10th में था तब मेरे, मैं मतलब फ़ोन अच्छा चलाता था, काफ़ी चलाता था, और गेम्स भी खेलता था, मेरे को बहुत शौक है गेम्स वगैरह खेलने का, ऑनलाइन गेम्स खेलने का अभी भी है, उस टाइम बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद जब मैं 11th में इधर आया, तब मेरे को एक बात तो पक्की थी, पता था कि अगर मैं फ़ोन लेके आऊँगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। ओके, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरे को कीपैड फ़ोन दिला दो, मैं कीपैड लेके आ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को फ़ोन मत दिलाना बस। तो स्टार्टिंग में बोला भी था कि मेरे को फ़ोन दिला दो, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग है 3 महीने, है ना, नई जगह होती है तो मन नहीं लग रहा होता, तो मैंने बोला फ़ोन दिला दो, घर वालों का नहीं दिलाएंगे फ़ोन। तो मेरे पास ओनली कीपैड मोबाइल था, और 3 महीने कंट्रोल करने के बाद आराम से कंट्रोल हो गया, फिर तो 2 साल कैसे निकले पता नहीं चला, फ़ोन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आपको मतलब अगर आप स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में रहोगे ना तो आपकी आदत पड़ जाएगी वो, और आप अगर स्टार्टिंग में ही मोबाइल लेके आ जाओगे और वहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, और आप सोच रहे पढ़ लेंगे करते, आप सोशल मीडिया चलाते रहते हो, देखते रहते हो, और वो वही आपका शेड्यूल बन जाता है, आप लास्ट तक वही करते रह जाते हो। तो आपको अगर स्टार्टिंग में प्रेशर भी नहीं है ना, फिर भी आपको डिसिप्लिन में स्टार्टिंग से रहना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा उस चीज़। मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डे वन से होनी चाहिए, तभी काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप यहाँ सीकर में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, पेरेंट्स मम्मी पापा किसी हॉस्टल 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 में रहते थे, हॉस्टल लाइफ कैसी है यहाँ की, खाना रहना शेड्यूल ये सब? हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल में वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं थी, क्योंकि हॉस्टल में हम तो, आप बताया आपको कि हम पूरे दिन तो कोचिंग में ही रहते थे, कैंप आते थे, तो हॉस्टल में तो, हॉस्टल में ऐसा है कि वार्डन का अच्छा खासा उनका सपोर्ट रहा था हमें, मतलब कोई भी हमें दिक्कत होती तो वो मतलब अवेलेबल करा देते उस चीज़ को, या फिर कुछ भी मान लो बीमार हो गए तो भी वो टेबलेट वगैरह अवेलेबल करा देते थे, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा। और खाना खाना भी बहुत अच्छा मिलता था हमें इसके अंदर, बहुत बढ़िया खाना था, तो बढ़िया था सब कुछ। फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो? अभी तो IIT जाना है। ओके, IIT लाइफ एंजॉय करनी है, एंड देन देखते हैं। हाँ, किसी ऐसी कंपनी में आप जा सकते हो जहाँ पे आप गेम डेवलपर बन जाओ, ताकि खेलो भी, बनाओ। अच्छा ही होगा, इंटरेस्ट है मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट। इंस्टीट्यूट के बारे में हमने बात करी, सीकर एजुकेशन सिटी है, बहुत सारे बच्चे आते हैं बाहर से सपने लेकर, बहुत सारे बच्चों के माता पिता भी यहाँ आते हैं, साथ रहते हैं। आपको ये एजुकेशन सिटी सीकर कैसा लगता है, मतलब यहाँ पे क्या अच्छाइयाँ हैं? सीकर का माहौल मतलब काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब लड़की को या फिर मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता उन पर भी, आपको ये करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। भी एक एग्ज़ाम आपके मतलब आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता भाई, आप बहुत सारी चीज़ें होती है भी, आप एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ कर लिए वो डिसाइड थोड़ी करता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। राइट, लेकिन आपको परफॉर्म अच्छा आप तभी करोगे जब आप पूरे मतलब 2 साल अच्छे से मेहनत करोगे, 2 साल 1 साल जितनी भी आप कर रहे हो, तो आप उस टाइम अच्छे से मेहनत करोगे, पेपर भी आपका अच्छा ही जाएगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे सीकर में इतना ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर नहीं डाला जाता, तो
तो उस वजह से बच्चे जो है वो डिप्रेशन में नहीं आते, वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है सीकर की, और सीकर का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा स्कोर करोगे, कुछ अच्छा बन जाओगे, इंस्टीट्यूट भी सोचता है, टीचर्स भी सोचते हैं, तो क्या कभी आपने लो फील किया या कभी उसका प्रेशर आया है, कभी ऐसा कि भाई टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, कुछ कम आ गया, तो कभी हुआ मोटिवेशन की कमी आई? कि अगर जितनी ज़्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट मतलब अच्छे पेपर जा रहे हैं, उसके बाद अगर एक पेपर आपका अच्छा नहीं जाता है तो लगता है कि हाँ कि कहीं यही पेपर वो ना हो राइट तो वो बुरा फील होता है, लेकिन हम उस पर फिर काम करते भी, अगर अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हम मतलब इसको गलत नहीं करेंगे, कुछ कुछ भी हो जाए हम अच्छा ही करेंगे पेपर को, गलती को देखते हैं और गलती अगले पेपर में सुधारते हैं अच्छे से। ओके, यहाँ पे जैसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती है, लगातार टेस्ट होते हैं और असेंबली होती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? टेस्ट सीरीज तो आपको पूरे मतलब सेशन के अंदर इतनी इतने टेस्ट करा देंगे ना, सीएलसी से बहुत टेस्ट करवाते हैं, तो उस वजह से अच्छा खासा रिविजन हो जाता है आपका। टेस्ट में तो कोई दिक्कत आती नहीं, आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको टेस्ट के थ्रू इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उस चीज़ से। और लास्ट के अंदर हमारे तो मैराथन सीरीज भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन की कोई कमी नहीं होती, आप जितने कर सकते हो आप करो, क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी टेस्ट वगैरह की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती थी कि हम जैसे ट्वेल्थ के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर इलेवंथ में भी चल रहा है हमारा आधा सिलेबस हो गया है, आगे हम पढ़े जा रहे हैं, तो हर एक मंथ में एक माइनर होता था, उसके बीच में ना एक संडे में पिछले का रिवीजन टेस्ट हो जाता था। ओके, तो हम पीछे का रिवाइज भी अच्छे से कर लेते थे, और जो ट्वेल्थ चल रही थी उस टाइम, तब हम इलेवंथ का भी उस टाइम रिवाइज कर रहे थे, तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद हमें सिलेबस पूरा इलेवंथ का रिवाइज करने में कोई दिक्कत ही नहीं आई, हमें तो लगा ये तो अभी तो पढ़ा है, वो चीज़ सबसे अच्छी लगी, हमें दिक्कत नहीं आई रिवाइज करने में कुछ चीज़ को। बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे जेई एस्पिरेंट्स जो अभी अपने लिए एक इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी इस जेई की लर्निंग से? जेई मेंस में आपको ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन करने हैं, मतलब आप अगर बहुत अच्छी रैंक चाहते हो ना तो आपको सारे ही करने पड़ेंगे ऐसा मान लो, क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे मतलब नॉर्मल होते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो उसमें तो क्या होता है आप तीनों सब्जेक्ट को मतलब पूरा अच्छे से कर लो। और कई बच्चों को ये दिक्कत आती है, मैंने काफ़ी सुना है कि मैथ में ना उनको दिक्कत आती है, उनसे पेपर अटैम्प्ट नहीं होता, बोलते हैं कि हमारे हॉस्टल में करते हैं तब तो हमसे हो जाता है, लेकिन पेपर में नहीं हो पाते, क्योंकि पेपर छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि वो मैथ को बहुत कम टाइम देते हैं। तो अगर मेरा सुनोगे तो मैं करता था सबसे पहले मैथ, मेंस के अंदर मैंने सबसे पहले मैथ की थी और देन मैंने केमिस्ट्री करी थी और देन फिजिक्स की थी। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, सबके लिए नहीं है, लेकिन आप अगर ट्राई करो, अगर आपके लिए सेट बैठता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स को आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगी। और अगर एडवांस की बात करूँ तो एडवांस मांगता है एक्यूरेसी, आप जितने क्वेश्चन करके आ रहे हो उसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं, है ना, आप करके यार ऑलमोस्ट आपके सही होने ही चाहिए, इतनी एक्यूरेसी लेके आओ, आप ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो चाहे क्वेश्चन को, लेकिन आप जितने करो आप उसमें विश्वास रखो भी आपके क्वेश्चन वो सही जाएंगे। बिल्कुल, उसको अच्छे से करो, कम करो लेकिन अच्छा करो, ये एडवांस की स्ट्रेटेजी रहती है। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और भविष्य की आपकी जो भी योजनाएं हैं उनमें आप सफल हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी मनोकामना हमारी। और अब बात करते हैं गणेंद्र के पेरेंट्स से और उनसे जानते हैं कि उनका सीएलसी के साथ अनुभव कैसा रहा और क्या बाकी के पेरेंट्स को वो सीएलसी रिकमेंड करते हैं। अभी हमारे साथ हैं गणेंद्र की माता जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं गणेंद्र को जब आपने सीएलसी में छोड़ा था, जब एडमिशन करवाया था, क्या उम्मीदें थी आपको सीएलसी से? सीएलसी से उम्मीदें तो बहुत थी और बाकी थोड़ा सा डर भी था कि दो साल में ना निकलिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमें बहुत गरीब हाँ गरीब बीमार कुछ इनू बिनू करके मसाई एडमिशन करवायो तो बढ़िया नंबर लिया, बढ़िया रही हो, बहुत खुशी हुई। सीएलसी के साथ कैसो का एक्सपीरियंस रही हो, सीएलसी आपकी काई मदद करी की तरीका से, मतलब कैसो पढ़ाए हो बच्चा ने, कदे आप मिलवा ना आता संभालवा ना आता, कैसो रहे हो सीएलसी के साथ अनुभव? भाई मामू जी आता संभालने तो मैं तो कभी आया ही कोने, जो छोड़े गए बाद में संभालिया ही कोने, नहीं बस फोन पे पूछ लेता कि हाँ बढ़िया है, अच्छा चलना है, बढ़िया पढ़ाई चल है,
अच्छा तो अभी गणेंद्र बहुत अच्छा नंबर लाया, 198 नंबर आया है, आपको सम्मान भी करे है मंच पर, कैसे लग रहे? बहुत अच्छा लग रहा है। जो सपना देखे हो जी उम्मीद सो सीएल से हम छोड़े हो वो पूरा हो? हाँ पूरा हो गया, बहुत अच्छा। तो आपके जैसे और भी ऐसा अभिभावक है जो ये वीडियो देख रहे हो, उसे इंटरव्यू देख रहे हो, उसे जिसका आपका बच्चा कोई कोचिंग में डालना चाहे, तो वह अभिभावक आपको कई मैसेज है कई संदेश देना चाहो? मैं तो ये कह रहा हूँ मारो बच्चो तो अच्छो पढ़ियो, अच्छो भी पढ़ायो और थे भी सीएलसी में लगाओ। अभी दो बच्चा ने अभी छोड़े है सीएलसी के अंदर। अच्छा, आप गणेंद्र के बाद में दो बच्चा ने सीएलसी में एडमिशन लिए है अभी। एक तो भाई का लड़का है और एक चाचा जी का लड़का है। बहुत बढ़िया। तो आप सुन रहे थे गणेंद्र को, आपने जेई एडवांस्ड में 198 स्कोर कर अपने पिता का सपना ही नहीं पूरा किया है बल्कि पिता को गर्व करने का एक मौका भी दिया है। अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को भी आपने नया उत्साह दिया है कि इसी तरीके से बच्चों को आप ज्यादा अच्छे पढ़ाई के मौके देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह के और बच्चों से हम बात करते रहेंगे, इंटरव्यूज उनके लेकर आते रहेंगे ताकि आप भी समझ सकें कि किस तरीके से शिक्षा नगरी सीकर बहुत दूर दूर से आए हुए बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है, वो भी बहुत सकारात्मक तरीके से। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।